नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जले ने श्री जिनाभिषेचयामीति ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमो नमः ओम नमो रते भगवते श्रीमते शांतिनाथ जिन तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दिनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र पुरा मंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवायम छिंद छिंद बिंद बिंद मृत्युम हती कामम रति कामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहेशमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुल्ममारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्वबैतालशाकिनीभयम् सर्ववेदनीयम् सर्वमोहिनीयम् सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर्य शांति पूरय पूरय सर्वजीवानंदनम् सर्वजनानंदनम् सर्वव्यानंदनम् सर्वगोकुलानंदनम् सर्वग्राम नगर खेट करवट मटम्ब पत्तन द्रोणमुख संवाहनानंदनम् सर्वलोकानंदनम् सर्वदेशानंदनम् सर्वयजमानानंदनम् सर्वदुःखम हनन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु सा यत् सुखम त्रिशलोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम् अभयम् क्षेममारोग्यम् स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकमाचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र तत्शिष्योपाध्याय श्री गुप्ति सागर महाराज चतुर्विध संगस ब्रह्मचारिणी सुमन शास्त्री रंजना शास्त्री वह आज के समस्त शांति धारा कर्ता परिवार आज के प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार श्री सोमिल जैन एमपी मध्य प्रदेश से प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार एवं समस्त शांति धारा कर्ता परिवार श्रीमती अनुजा जैन धर्मपत्नी श्री वर्णित जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा न्यू रोहतक रोड दिल्ली से महिला मंडल जौहर नगर जयपुर से श्रीमती आयुष्मती जी निर्मला जी सावित्री जी चंदा जी प्रकाशवती जी सरोज गोदा जी लाजवंती देवी जी सुशीला जी टेलीफोन वाली पद्मा सोगानी जी लज्जा जी भवरी देवी जी समस्त परिवार की तरफ से शांति धारा नसीब सोनी ममता नीतू मनित पीयूष लोहित पलक स्मिता रिद्धि सा परिवार की सुख शांति व समृद्धि के लिए शांति धारा 18 उपासना कुंज गुड़मंडी से श्री भूपतराय जी अमृतलाल मोदी श्रीमती रंजना बेन भूपतराय मोदी श्रीमती ख्याति हेमंशा व चिरंजीवी हेतु भूपतराय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ निरोग्यता सहित दीर्घायु की मंगल कामना हेतु शांति धारा स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मुन्नी देवी और उनके परिवार द्वारा ताम्रशिला व शांति धारा स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन परिवार अजय जी जैन ऋतु जैन शक्तिनगर वालों के द्वारा एक महीने की शांति धारा श्रीमती अंबिका जैन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा परिवारकर्ता श्री अमित जी जैन जिनेन्द्र जी जैन साधना जैन राणा प्रताप बग दिल्ली से आयुष जैन के जन्मदिन पर शांति धारा श्री सुखमाल जी सुखलाल जी
इंद्रा, कमलेश, सपना, प्रशांत, ग्वालियर परिवार, रावटी, रतलाम, मध्य प्रदेश से, मेघा जैन पुत्री, शैलेंद्र जैन, अंबाला कैंट द्वारा शांति धारा, अनमोल जैन द्वारा शांति धारा व भोजन, श्रीमती चांदनी सेठी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा परिवार, मंजू नमन विवान सेठी कोटा राजस्थान से, सुषमा जैन पत्नी श्री सुभाष जैन, आंचल जैन पत्नी विक्रम जैन, आशिमा जैन पत्नी स्वर्गीय श्री अंकुश जैन के परिवार द्वारा भी शांति धारा। श्री प्रशांत भरत जी दोषी, पत्नी हर्षा प्रशांत दोषी, पूजा प्रशांत दोषी, मास्टर दर्शन प्रशांत दोषी, बारामती महाराष्ट्र से एक ताम्रशिला मंदिर जी के निर्माण में व शांति धारा उनके परिवार द्वारा गई। समस्त शांति धारा कर्ता परिवार, टीवी के सामने देखने वाले, सुनने वाले व समस्त जैन परिवार से तुष्टिरास्तु, समृद्धिरास्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरास्तु, दीर्घायुरास्तु, कुल गोत्र धनानि सदा संतु, सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य शर्याभिवृद्धिरास्तु, सद्धर्म सशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम राम रीम भ्रूम रा, नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मम मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु भवतु भवतु, नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु। ओम रीम श्रीम क्लीमरम अस्य उषा नाहात विद्यायै नमो अरियंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु सा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षेनासे दोषकल्म साय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्गा पृथ्वी विनाशनाय, सर्व प्रकृति छिद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व क्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम भ्रूम भ्रौरास्या उषारहं नमः। मम सर्व शांतिम कुरु कुरु वसत् साहा। संपूजेकानां प्रतिपालेकानां यतेन्द्र सामा न तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु सा तें भगवज्जिनेन्द्रः। पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा आप सभी देख रहे हैं, आने वाली 4 नवंबर को भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक है और हमने यहाँ पर आप सभी के लिए सुंदर पावापुरी की रचना की गई है। उसके अंदर सभी को लाडू चढ़ाने का अवसर मिलेगा। जो भी भाई बहन मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप अपने परिवार की तरफ से ऐसे पावन दिन पर एक एक लाडू अवश्य चढ़ाएं और इस पुण्य को अवश्य कमाएं। साथ में जिन परिवारों के द्वारा अभी तक शिला नहीं रखी गई हो, उन सभी से मेरा निवेदन है कि एक एक शिला आप अपने परिवार की तरफ से अवश्य रखें। राशि जो आपकी इच्छा हो, 5100, 11000, 21000, 31000, 51000, 1,00,000, जो आपकी इच्छा हो दे। कोई नहीं दे सके, वह नाम अपना बिना राशि के भी यहाँ पर लिखवा करके इस पुण्य को अवश्य कमाएं, अवश्य कमाएं। जो चैरिटेबल हॉस्पिटल यहाँ पर मंदिर जी के पीछे आप सभी के सहयोग से चल रहे हैं, अक्टूबर माह में जिन परिवारों के द्वारा यहाँ पर जो दान राशि दी गई, श्रीमती दर्शनमाला जैन परिवार, स्वागत बनियान वाले राणा प्रताप बाग परिवार की तरफ से 51,000 रुपए की राशि, मुकेश जैन, सुनीता जैन, जेपी पेंट, डेरावाला नगर 5100 रुपए, अरुण करण मित्तल, रमेश नगर, दिल्ली परिवार की तरफ से 5100 रुपए, प्रदीप संगीता आस्था जैन, जैन कॉलोनी 2100 रुपए, पवन प्रीति जैन गोदा, शकुंतला गोदा परिवार 2100 रुपए, अमित अंबिका जैन राणा प्रताप बाग 2100 रुपए, विमल जैन काला मुंबई परिवार की तरफ से 1100 रुपए, अजय जैन, रितु जैन शक्तिनगर परिवार की तरफ से 11000 रुपए, गुप्त दान 1100 रुपए,
श्रीमती मुन्नी जैन, अनिल ज्योति जैन गोदा गुड़मंडी परिवार की तरफ से 1100 रुपए, रोहित जैन शक्ति नगर 500 रुपए, संतोष जैन, अनुज जैन जैन कॉलोनी 1100 रुपए, स्वर्गीय प्रेमचंद जी जैन, राजीव जैन प्रीत विहार 2100 रुपए, पुनीत जैन तीर्थंकर एंटरप्राइजेज राणा प्रताप बाग 1100 रुपए, शकुंतला जैन बुद्धा अपार्टमेंट 1100 रुपए, श्रीमान किशन चंद जी, नितिन जी जैन कमला नगर 1100 रुपए, महेंद्र जैन महावीर पेंट शक्ति नगर परिवार की तरफ से 1100 रुपए, अनुराग जैन मयूर विहार 5100 रुपए, स्वर्गीय कमलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जैन कत्तेवाला परिवार 1100 रुपए, अमित जैन निधि जैन गाजियाबाद परिवार की तरफ से 1100 रुपए, अनुज जैन प्रियंका जैन गाजियाबाद 1100 रुपए, मुकेश जैन कमला नगर 1100 रुपए, दिनेश जैन कमला नगर 1100 रुपए, प्रवीण जैन अशोक विहार परिवार की तरफ से 1100 रुपए। इस तरीके से अक्टूबर माह में जो राशि जिन परिवारों के द्वारा यहाँ पर दी गई उन सभी के नाम निम्न है। आप भी अपने परिवार की तरफ से औषधि दान में अगर कुछ भी देना चाहें यहाँ पर देकर के इस पुण्य को बंधुओं अवश्य कमाएं, अवश्य कमाएं। जिन भाई बहनों को अगले पूरे महीने की नवंबर की अगर शांति धारा करवानी हो मात्र 11000 रुपए की राशि देकर के आप अपने परिवार की तरफ से पूरे महीने की शांति धारा यहाँ पर करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र बंधुओं, सौभाग्य आपको बुला रहा है दर्शन करने नहीं, भगवान के यहाँ जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके अंदर शिला स्थापित करने के लिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि हजारों परिवारों के द्वारा यहाँ पर शिला स्थापित की गई है, कहीं ऐसा ना हो कि आप रह जाए। आने वाली 4 नवंबर को एक भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम जिन परिवारों के द्वारा अगर शिला नहीं रखी गई हो बंधुओं, यह एक ऐसा मौका आपको मिल रहा है शायद आपने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि किसी मंदिर के निर्माण में इतने लोगों की शिलाएं स्थापित हो। आप भी अपने परिवार की तरफ से एक शिला जिसकी राशि मात्र 1,00,000 रुपए, पार्श्वनाथ शिला, रत्न शिला जिसकी राशि 51,000 रुपए, स्वर्ण शिला जिसकी राशि मात्र 31,000 रुपए, रजत शिला जिसकी राशि मात्र 21,000 रुपए, कांस्य शिला जिसकी राशि मात्र 11,000 रुपए, ताम्र शिला जिसकी राशि मात्र 5100 रुपए। जो भी भाई बहन अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर शिला स्थापित करना चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी अपना नाम हमें शीघ्र दे देवे, क्योंकि 4 नवंबर तक हो सकता है इसके बाद ये मौका आपको ना मिले। बंधुओं, हमने सोचा है कि कम से कम 10,000 शिलाएं यहाँ पर स्थापित होकर के इस मंदिर का जो एक अतिशयकारी मंदिर जिसका आप सभी ने देखा भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति का कितना चमत्कार है, जिसके दर्शन मात्र से आप सभी के सब दुख दूर हो जाते हैं। कितने ही कोविड के लोग इससे ठीक हुए हैं, कितने ही लोगों का कैंसर ठीक हुआ है, कितने ही लोगों की कितनी बीमारियां ठीक हुई है। ऐसा ना हो आप अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर शिला स्थापित ना करके और इस पुण्य को छोड़ देवें। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी शिला स्थापित करें, क्योंकि उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में आप सभी ने देखा 22 अगस्त को इसकी नींव यहाँ पर रखी गई थी। जल्दी से जल्दी आप अपने परिवार की तरफ से यह शिला रखें, यह सौभाग्य आपको बुला रहा है। हो सकता है आपकी जिंदगी में आपको दोबारा यह मौका ना मिले। आपने देखा 15 अगस्त को हमने यहाँ पर एक मेडिकल सेंटर का उद्घाटन भी किया और आज उसके अंदर जो 80 गज में उपाध्याय श्री ने कहा कि भैया अनाउंस करने से कुछ नहीं होता है, तुम आज से ही इसको चलाओ। हमने यह हॉस्पिटल मात्र 100 गज जगह में भी चला रखा है, कम से कम 40 से 50 भाई बहन रोज इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम इस हॉस्पिटल को 500 गज जगह में बनाना चाहते हैं। 1 गज की राशि मात्र 1,00,000 रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से देकर के और इस लाभ को अवश्य कमाएं। भगवान पार्श्वनाथ का चमत्कार ऐसा है कि आप अपने परिवार की तरफ से 1 गज, 2 गज, 5 गज, 11 गज या 21 गज दे देंगे तो आपको निश्चय ही हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बंधुओं, कितने ही लोग इस चीज का यहाँ पर फायदा उठाएंगे। हमारे अध्यक्ष श्रीमान आर के जैन साहब ने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल को बनाऊंगा और मैं इसके अंदर पूर्ण सहयोग करके जितना जल्दी होगा इस कार्य को शुरू कराऊंगा। यह सब जब ही होगा जब आप सभी लोग इस कार्य में भी हमारा साथ देंगे। आने वाली 4 नवंबर सबसे बड़ा दिन मोक्ष कल्याणक भगवान महावीर स्वामी का, उस दिन आपके नाम की शिला रखी जाएगी, उस दिन आपके नाम का लड्डू चढ़ाया जाएगा, उस दिन आपके नाम की पूजन की जाएगी,
कोई भी परिवार जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर के भी इस पुण्य को कमा सकते हैं। बंधुओं, ये पुण्य आपको शायद दोबारा ना मिले। इस कोविड के बाद में आपने देखा होगा कि कितने कार्यक्रम यहाँ पर इस मंदिर जी में आप सभी के लिए किए गए। आप सभी लोग इस कार्य में भी साथ दे करके रोज यहाँ पर पारस चैनल के माध्यम से आपको शांति धारा देखने को मिलेगी। आप सभी लोग इसमें भी हमारा सहयोग करें। बाहर आपने देखा गरीब लोगों को, अभी तक करीब 4.5 लाख लोगों गरीब भाई बहनों को हमने यहाँ पर भोजन करवा चुके हैं। आप भी अपने परिवार की तरफ से 2100, 5100, 11000, 21000 रुपए की राशि देकर के और गरीब भाई बहनों को यहाँ पर भोजन करवा सकते हैं। ये सब पुण्य आप अवश्य लेवे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप देख रहे हैं श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर जो कि 1500 गज जगह में विशाल बनने जा रहा है आप सभी के समक्ष। आप अभी देखेंगे यहाँ पर भोजनशाला व गुरुओं को रुकने का निवास स्थान यहाँ पर हम बना चुके हैं और मंदिर का कार्य भी 4 तारीख से, आने वाली 4 नवंबर से यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। बंधुओं, मैं देख रहा हूँ अभी मात्र यहाँ पर करीब 1200-1300 परिवारों के द्वारा शिला रखी गई है। बंधुओं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसे कार्य के अंदर आप अपने परिवार की तरफ से एक शिला इस मंदिर के निर्माण में, इस मंदिर की भूमि में जो आपके नाम, परिवार का नाम लिख करके यहाँ पर रखी जा रही है, आप अपने परिवार की तरफ से एक शिला यहाँ पर अवश्य रखें। राशि का कोई मुद्दा नहीं है। आप 5100 रुपये दें, 11000 दें, 21000 दें, 51000 रुपये दें, 1 लाख रुपये दें, जितनी आपकी शक्ति हो उतने की शिला रख करके इस मंदिर के निर्माण में आप अपना नाम अवश्य लिखवाएं। मेरा निवेदन, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो भी जैन परिवार है या अजैन परिवार है, आप अपने परिवार की तरफ से यहां पर शिला अवश्य रखें। बंधुओं, कहते हैं कि मंदिर के निर्माण में अगर किसी व्यक्ति का 1 रुपये भी लग जाता है तो वह उसका जीवन सफल हो जाता है। और आपको यह मौका दिल्ली जैसी जगह पर मिल रहा है जहां पर अभी तक करीब 1200 परिवारों के द्वारा शिला रखी गई है। आप अपने परिवार की तरफ से आज से ही अपना नाम, गलती ना करें, घर में अगर 7 मेंबर हैं 7ों मेंबर के नाम से शिला रखवाएं। राशि का कोई मैटर नहीं है। आप 5100 दें, 11000 दें, ना दें, पर आप अपने परिवार का नाम लिखकर, कोई भी जैन परिवार ऐसा ना हो जिसकी शिला यहाँ पर नहीं रखी गई हो। बंधुओं, जब राम मंदिर बना, दुनिया के देखा सब जगह बैनर लग गए, क्या हमारा मंदिर इतना कमजोर है? क्या हमारा समाज इतना कमजोर है? आप सभी जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक एक शिला चाहे कुछ भी हो आपको अवश्य रखनी है। आप जरूर अपने परिवार की तरफ से शिला रख करके इस पुण्य को अवश्य कमा लेना। बंधुओं, हो सकता है आपकी जिंदगी में दिल्ली जैसी जगह पर ऐसा मौका आपको ना मिले, इसलिए आप अपने परिवार की तरफ से आज से ही अपने अपने नाम पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से हम इसको आने वाली 4 तारीख को शिला पर नाम लिख करके आपके परिवार का उस दिन यहाँ पर स्थापित करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से सुबह 10:40 से और 12 बजे तक होगा। बंधुओं, आप याद रखना, भूल ना जाना, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। दिल्ली जैसी जगह, जीटी करनाल जैसी जगह पर और देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में 1500 गज में बनने वाला ये विशाल मंदिर, जिसको देखने के लिए शायद लाइन लगेगी। आप सभी लोग इसमें अपने द्रव्य का सदुपयोग करें। आपने देखा हम यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं, 150 गज जगह और लिए जिसमें 24 ही का निर्माण करने जा रहे हैं। आप अपने परिवार की तरफ से 1 गज की राशि मात्र 1 लाख रुपए की है, वह भी दे करके पुण्य कमा सकते हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के दिन आप इस पुण्य को अवश्य लेवे और अपने परिवार की तरफ से भूल ना जाए, एक एक शिला, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी व्यक्ति मेरी आवाज सुन रहा है वह अवश्य एक शिला रख करके इस पुण्य को अवश्य कमाए। जय जिनेन्द्र। मैं पवन जैन गोधा, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। जय जिनेन्द्र। बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है, आप सभी के सहयोग से दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विदेशों से भी हमारे पास में आपने भूमि में दान दे करके आज 1350 गज में इस मंदिर का कार्य, जिसकी शिलान्यास हमने यहाँ पर 22 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर की है, आप सभी ने पारस चैनल के माध्यम से देखा होगा। बंधुओं, यह एक विशाल मंदिर
जो 1350 गज में जीटी करनाल रोड दिल्ली में बनने जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमने इसका शिलान्यास 22 अगस्त रक्षाबंधन के पावन दिन पर किया था और ये शिलान्यास हम 4 नवंबर यानी दीपावली तक चलाएंगे। बंधुओं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने परिवार की तरफ से इस महान कार्य में एक एक शिला अवश्य अपने परिवार की तरफ से लगा करके इस पुण्य लाभ को नहीं छोड़ें। हमारे यहां पर जो शिला की राशि हमने रखी है, भगवान पार्श्वनाथ शिला जिसकी राशि मात्र 1 लाख रुपए की है, रत्न शिला जिसकी राशि 51,000 रुपए की है, स्वर्ण शिला जिसकी राशि 31,000 रुपए की है, रजत शिला जिसकी राशि 21,000 रुपए की है, कांस्य शिला जिसकी राशि मात्र 11,000 रुपए की है, ताम्र शिला जिसकी राशि मात्र 5100 रुपए की है, फिर भी कोई बंधु नहीं देना चाहे, नहीं दे सकता हो, वह अपने परिवार की तरफ से निशुल्क भी यहाँ पर शिला रखवा करके इस पुण्य को अवश्य कमाएं। बंधुओं, हम चाहते हैं कम से कम 10,000 शिलाएं यहाँ इस मंदिर के निर्माण से पहले पहले यहाँ पर रखी जानी चाहिए, जिससे एक इतिहास बन जाए। हमारे जैन धर्म का इतिहास जिस तरह राम मंदिर में बना है, उस तरह से हम सबको बनाना है। वह जब ही बनेगा जब आप सभी लोग शिला रख करके इस कार्य को करेंगे। इसके अलावा आपने देखा 15 अगस्त को हमने यहाँ पर एक हॉस्पिटल का भी घोषणा की, जो कि करीब 450 गज में गुप्ती सागर चैरिटेबल मेडिकल सेंटर के नाम से यहाँ पर बनने जाएगा। उसकी भूमि में करीब 100 गज का पैसा हमारे पास में आ गया है। अभी भी हमें 350 गज का पैसा चाहिए, जिसमें 1 गज की राशि मात्र 1 लाख रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से 1, 2, 5 या 11 गज दे करके बंधुओं इस पुण्य को अवश्य कमाएं। हम जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल को बनाना चाहते हैं। वह जब ही बनेगा जब आप सभी लोग हमारा इस कार्य में भी सहयोग करेंगे। अभी हमने यहाँ पे ओपीडी के रूप में करीब 100 गज जगह में यहाँ पर ओपीडी चालू कर दी, जिसके अंदर डॉक्टर्स सुबह दोपहर शाम यहाँ पर बैठ करके करीब 20 से 25 मरीजों को रोज यहाँ पर देख रहे हैं। ये सभी जब संभव होगा, जब आप सभी लोग इस कार्य में हमारा सहयोग दे करके और पुण्य लाभ ले लेंगे। बंधुओं, इसी कड़ी में आपने देखा गत 15 महीनों से हमने करीब 4 लाख लोगों को यहाँ पर भोजन करवा चुके हैं, जो कि रोज सुबह 11 बजे से यहाँ पर शुरू होकर के आप सभी के सहयोग से बराबर ये भोजन, ये भंडारा जो गरीब लोगों के लिए चल रहा है वह रोज हो रहा है। आप अपने परिवार की तरफ से मात्र 2100 रुपये, 5100 रुपये, 11,000 रुपये, 21,000 रुपये दे करके इस भंडारे में भी आप अपना सहयोग करके गरीब भाई बहनों को भोजन करवा सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जिनवानी चैनल के माध्यम से सुबह 6:30 बजे, भारत चैनल के माध्यम से सुबह 11 बजे रोज शांति धारा, जो कि गत 14 महीने से लगातार चल रही है, आप भी अपने परिवार की तरफ से 1 दिन की 1100 रुपये, 3 दिन की 2100 रुपये, 5 दिन की 3100 रुपये, 11 दिन की 7100 रुपये और 1 महीने की शांति धारा मात्र 11,000 रुपये देकर के आप अपने परिवार की तरफ से अपने परिवार का नाम यहाँ पर लिखवा सकते हैं। एक एक शिला स्थापना करके इस पुण्य को अवश्य कमा करके और धर्म लाभ लेवें। ये सब आप सभी के सहयोग से होना संभव है। आप सभी लोग सहायता करें, सहयोग करके और इस कार्य में भाग लेवे। जय जिनेन्द्र। मैं पवन जैन गोधा, राणा प्रताप बाग, दिल्ली।